नमस्कार, मैं प्रिया राज। सही खबर पक्की खबर के साथ आइए, आपके भी साझा करते हैं देश विदेश के 10 प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पूरे 8 महीने बाद मुलाकात किए, ये मुलाकात काफी खास रही। बिहार के एडीजी, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के सास को फोन किया, घर बेचने की प्लानिंग चल रही थी, पटना में एफआईआर दर्ज। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू अपनी तैयारी और कमर कस लिए हैं, दोनों साथ मिलकर ताल से ताल मिला रहे हैं। पीके ने बनाया मास्टर स्ट्रोक, कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी पीके की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने एंटी बिल पास किया है, इसे लेकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की बड़ी बातों पर ध्यान दिया गया है। झारखंड को लेकर मल्लिका अर्जुन के साथ राहुल गांधी और हेमंत सोरेन मिल करके इस बार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए तो क्रिकेट परिषद को ध्यान में रखते हुए अब जल्द ही इसके पैमाने की घोषणा की जाएगी। 2025 इंग्लैंड की विश्व कप को लेकर बड़े पैमाने पर बात जारी है। करीना कपूर द बकिंगम मर्डर्स को लेकर अभी चर्चे में बनी है, अपने शो पे जाते ही वो काफी स्माइल और कहा जाए तो ब्लश करने लग जाती हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चे में है अपनी पार्टी को लेकर, आगामी वो जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, हालांकि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वो अपनी पार्टी का स्थापना करेंगे। बिहार के कहा जाए तो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह इस वक्त सीमांचल पे भ्रमण कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो जल्दी वापस लौट करके यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ बातों का ऐलान करेंगे। तो तब तक इतना ही, ऐसी तमाम 10 खबरों के लिए देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।